एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद हमारे देश के एजेंडाधारी नेताओं को अगर सबसे पहले कुछ करना चाहिए तो शर्म करनी चाहिए। यह खबर आज उन लोगों को शर्मिंदा कर देगी जिन्होंने पहलवानों के मसले पर राजनीति करने में एक मिनट की भी देरी नहीं लगाई थी। जंतर मंतर पर पहलवानों के लिए फोल्डिंग कूलर, वाटरप्रूफ टेंट सब कुछ आधी रात को पहुंचा दिया गया था क्योंकि इसमें उन्हें सियासत की चमकार ज्यादा नजर आ रही थी। लेकिन जहां पर इन नेताओं का अपने सियासी सेंसेक्स में उछाल नहीं दिखता वो वहां पर फटकते तक नहीं है। सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर उस घी की है जिसमें मक्खियां डूबी हुई हैं। ये तस्वीर उस आटे की है जिसमें पानी के साथ साथ उसके गूंथने वाले का भी पसीना गिरता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर उस रायते की है जिसके चारों ओर आपको मक्खियां भिनभिनाती हुई नजर आएंगी। ये तस्वीर उस ब्रेड की है जिसे खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है और ये तस्वीर उस भोजन की है जो बहुत गंदगी के बीच तैयार किया जा रहा है। हमारा सवाल आपसे ये कि क्या ये भोजन वाकई खाने के लायक है? जिस भोजन को आप खाने जा रहे हो अगर उसे इस हालात में बनते देखेंगे तो क्या आप उसे खा पाएंगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आज हमें आपको बताते हुए ये बेहद अफसोस हो रहा है कि ये खाना हमारे देश के खिलाड़ी खा रहे हैं। गंदगी के साथ पकाया जा रहा है ये खाना उन खिलाड़ियों के लिए तैयार किया जा रहा है जिनसे हम कभी नेशनल गेम्स में तो कभी ओलंपिक गेम्स में मेडल की आस लगाते हैं, जिनकी जीत के साथ हमारे नेता जाति वाले एंगल तो निकाल लेते हैं लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री पार निकल जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ये बात यह कि ऐसी तस्वीरें किसी गांव, जिले या ब्लॉक की नहीं है बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई है। जी हां, एक बार फिर से सुनिए, ये तस्वीरें उस दिल्ली की हैं जहां की सरकार छात्रों और स्कूलों के नाम पर अपने चेहरे चमकाती है, जिसके नेता पहलवानों के मसले पर तो रॉकेट की स्पीड से एक्टिव हो गए थे लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी पर खिलाड़ियों को सुविधा देने की बात आती है तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। इसका एक एक सबूत आज हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं और बताते हैं कि जिन खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद की जाती है उन्हें सुविधाओं के नाम पर क्या दिया गया, कैसे उनका अपमान किया जाता है। दरअसल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस बार देश के दो राज्यों दिल्ली और मध्य प्रदेश में स्कूली छात्रों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। 21 खेलों में दिल्ली को 11 और मध्य प्रदेश को 10 खेलों की मेजबानी मिली है। इसी इवेंट के लिए अलग अलग खेलों से जुड़े अंडर 19 खिलाड़ी इस वक्त दिल्ली आए हुए हैं और इन्हें दिल्ली के अलग अलग सरकारी स्कूलों में ठहराया गया है। ऐसे ही एक स्कूल दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मौजूद है जिसका नाम है सर्वोदय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। और जब TV9 भारतवर्ष के संवाददाता इस स्कूल के अंदर पहुंचे और जो कुछ देखा वो डराने वाला है। ये बद इंतजामी की ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर दिल्ली के नेताओं को थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। यहां कूड़े के ढेर के पास खाना बनाया जा रहा था और खिलाड़ियों के बिस्तर जमीन पर लगे हुए मिले। घी, रायते और चावल में मरी हुई मक्खियां तैरती हुई नजर आई। खाना इतना गंदा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था, इसलिए खिलाड़ी इस खाने के बजाय पिज्जा मंगवाकर खाने के लिए मजबूर नजर आए। हमें इस खबर से जुड़ा एक सर्कुलर भी मिला है जो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़े खेल ब्रांच की ओर से जारी किया गया है। इस सर्कुलर के मुताबिक प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ियों से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसे भी लिए गए हैं, जिसमें सुबह का नाश्ता और रात का खाना होटल में कराने की बात कही गई है। बाकी दोपहर का खाना और शाम का नाश्ता प्रतियोगिता स्थल पर ही कराने की बात लिखी गई है। लेकिन जिस तरह खाने का इंतजाम खिलाड़ियों के लिए किया गया वो बेहद गंदा है और खाने के लायक है ही नहीं। आज इस बद इंतजामी पर हमने न्यूज़ मित्रों के लिए एक रील भी तैयार की है और हमारी अपील है कि आप भी इस रील को इतना शेयर कीजिए कि उन नेताओं को भी शर्म आए जिनकी आंखों का पानी सूख चुका है। ये दिल्ली सरकार का एक स्कूल है पटपड़गंज में और यहाँ पर कुछ छात्र कुछ खिलाड़ी रखे गए हैं, बाकी खिलाड़ी दिल्ली के दूसरे स्कूल में हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीर भीतर से निकलकर सामने आई है TV9 भारतवर्ष के कैमरे में, TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में, वो बेहद हैरान करने वाली है। और गर्मी महसूस हो और खाना पीना भी
इतना अच्छा नहीं है और टॉयलेट में दो टॉयलेट में थोड़ा दिक्कत है, एक में फ्लश नहीं कर नहीं सकते और लीक होता है। गर्मी बहुत है फिर मच्छर आते हैं बहुत यहाँ पे, खाना खुद से खरीदना पड़ता है, नींद नहीं होगा इसे, गर्मी हाँ। लगता रहेगा। ये अच्छा कर ली ये जगह थोड़ा गर्मी का वो ठीक कर दी कि हाँ थोड़ा एसी लगा दिया, फिर ये सब कुछ ठीक कर ले, टॉयलेट्स ठीक कर ले, थोड़ा खाना का क्वालिटी अच्छा कर दी। We have to shift to hotel. One night we stay in hotel and then we shift again to one school there in Patparganj. Patparganj. And then there also we met. There is nothing for one night. We just sleep in carpet. After the fight, the aircon is too bad. The room that they provide us also is not that good. Plus we have to sleep on the floor. पे हम रह रहे हैं वो तो लड़की है ना, हम लोग तो नहाना तो चाहिए ना, बहुत जरूर है, वहाँ नहीं है तो रात को भी मैं तो बेसिक बाथरूम भी नहीं, हाँ बेसिक नहीं है, नहीं है और एक बहुत अनकंफर्टेबल है। अरे अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड करने बोला है तो वो सिंपल सा यू नो वो जगह तो देना चाहिए ना। अब दिल्ली में खिलाड़ियों के साथ बद इंतजामी पर जोरदार सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो केजरीवाल के मंत्री जांच की बात कर रहे हैं। शिकायतें आ रही खिलाड़ियों की तरफ से, बेहद चिंताजनक। दिल्ली सरकार ने उनके लिए उचित इंतजाम नहीं किए, खिलाड़ियों को स्कूल में ठहराया जा रहा है, उनके लिए इस गर्मी के अंदर, भरी गर्मी के अंदर उनको जमीन पर सुलाया जा रहा है, हमसे गद्दे नहीं मिल रहे हैं नीचे रखने के लिए, और जो कूलर दिए गए वो चल नहीं रहे, खाना भी है वो अब तो स्टैंडर्ड नहीं है। ये खिलाड़ियों की शिकायत है। अरविंद केजरीवाल साहब, आपका ये दोगलापन आपके सामने आ रहा है। देखिए, अगर हरीश खुराना जी को अब खिलाड़ियों की याद आ गई है तो ये तो देश के लिए बड़े शुभ संकेत हैं। पिछले 3 महीने से देश की मेडल जीतने वाली खिलाड़ी जो थी वो जंतर मंतर पे जमीन पे सो रही थी, उनको बेड तक नहीं दिए जा रहे थे, उनके लिए टेंट तक नहीं लगाया जा रहा था। तब हरीश खुराना जी पता नहीं दिल्ली में थे या पता नहीं कहाँ पे थे। वैसे वीडियो वायरल की जा रही है, इसमें छात्रों की तरफ से या पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं, बीजेपी ने भी ट्वीट किया है कि उनको रहने खाने के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं है, गंदा खाना मिल रहा है, इस तरह की चीजें बताई। ठीक है, इसको हम जरूर एक बार जाँच करेंगे।